रेखा और नीलम बहुत खुश थीं क्योंकि वो दोनों इस बार अपनी गर्मियों की छुट्टियों के लिए गोवा जाने का प्लान बना रही थीं। वो हमेशा गर्मियों की छुट्टियों में कहीं न कहीं बाहर जाने का प्लान बना लिया करती थीं। रेखा के ससुर राजेश और पति सौरभ इनकी इस आदत से बहुत परेशान थे क्योंकि दोनों सास बहुओं को किसी भी चीज की कदर नहीं थी। अब एक रोज सुबह के समय सब लोग एक साथ बैठ के चाय पी रहे होते हैं, तभी रेखा बोलती है, राजेश जी और सौरभ बेटा, इस बार हम कहाँ घूमने जा रहे हैं, जरा उस पे बात करते हैं। क्या बात कही है माँ जी, आपने दिल खुश कर दिया, जियो माँ जी जियो। सॉरी माँ जी, इस बार कहीं बाहर जाने का प्लान नहीं है। अरे गर्मी देख रहे हो कितनी है इस बार, इस गर्मी आप घर पर ही घूमो। अरे बेटा, इसे तू गर्मी कहता है? अरे ये तो घूमने वाला मौसम है और हमें गर्मी से क्या मतलब, हम तो वैसे भी घूमने ठंडी जगह ही जाएंगे। और बेटा इस बार गोवा चलते हैं, बड़ा मजा आएगा बीच पर वहाँ। अरे माँ, ये आपको गर्मी नहीं लगती, कैसी बात कर रहे हो, अरे लोग बेचारे गर्मी के चलते मर रहे हैं और आपके लिए घूमने वाला मौसम है। अब बेटा तेरी माँ को गर्मी का एहसास होगा भी कैसे, अरे पूरे दिन दोनों सास बहू एसी में पड़ी रहती है, बाहर कहीं जाती है तो गाड़ी में जाती है, तो इनको क्या ही पता चलेगा गर्मी का, और मैडम को गोवा जाना है, अरे अपनी उम्र का लिहाज करो थोड़ा। अरे माँ बोलिए, अब चुप क्यों हो गई आप, अरे बड़ा लेक्चर दे रही थी, अभी अगर मैं एक मिनट भी एसी बंद कर दूंगा ना, दोनों सास बहू की गर्मी निकल जाएगी। सौरभ जी आप कोई ज्यादा नहीं बोल रहे, आपको क्या लगता है हम गर्मी में नहीं रह सकते? ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो ठीक है, बताइए हम कैसे साबित करें कि हम दोनों सास बहू गर्मी में रह सकते हैं, हम एसी में रहकर नकारा नहीं हुए हैं। हाँ सही कहा बहू ने, बोलो दोनों बाप बेटे हमें क्या करना होगा। अच्छा तो रेखा जी, आपको और बहू को गर्मी की छुट्टियां मनानी थी ना गोवा जाके, तो देखो वो तो नहीं हो पाएगा, अब दोनों को हमारे साथ छुट्टियां मनाने के लिए गांव चलना पड़ेगा। अरे बस ये तो बहुत ही छोटी सी शर्त रख दी आपने, हम चलेंगे गांव, मगर अगर हम गांव में बिना किसी दिक्कत के रह आए तो आप मेरे को और बहू को गोवा लेके चलोगे। हाँ माँ जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। बेटा गांव से वापस आके ये कहीं और जाने के लायक बचेंगे ही नहीं। सही कहा पापा आपने। इतना कहकर सौरभ अपने परिवार के साथ गांव की तरफ चले जाते हैं। रेखा और हेमा ने अपनी गर्मी की छुट्टियां गांव में मनाने के लिए हाथों बोल दिया, पर उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही वो गांव पहुंचते हैं, उनका स्वागत गरम गरम चाय नाश्ते से होता है। तब हेमा कहती है, यहाँ आप लोग इतनी गर्मी में चाय क्यों लाए हैं? अरे कुछ कोल्ड ड्रिंक या जूस या कुछ ठंडा लेकर आइए, हम गर्मी में चाय नहीं पीते। हाँ माँ जी, मेरे को तो चाय देखकर ही अजीब सा लग रहा है। हे माँ जी, ये गांव है, यहाँ ये आपकी कोल्ड ड्रिंक्स या जूस वगैरह नहीं मिलता, और ना आपका फ्रिज वाला ठंडा पानी, जितने दिन यहाँ है उतने दिन आपको बिना ठंडे पानी के रहना पड़ेगा। अरे राजेश जी ये आप क्या बोल रहे हैं, बिना ठंडा पानी पिए हम कैसे रहेंगे? माँ आप तो अभी से हार रही हैं। अरे आपने ही बोला था कि ये कोई गर्मी है, ये तो घूमने वाली गर्मी है, तो इसमें ठंडे पानी की क्या जरूरत? बेटा बोला था मैंने, पर अब ठंडा पानी नहीं तो कैसा पानी पीना पड़ेगा, और आप लोग भी तो हो, आप क्या पियोगे? नेचुरल मटके का पानी। अरे मटके का पानी एकदम ताजा और अच्छा, मटके का पानी पीने से हमें बीमारियां नहीं होती। माँ जी हमें तो आदत है, क्योंकि पापा और मैं तो ज्यादातर बाहर ही रहते हैं, और बाहर कौन सा फ्रिज का पानी मिलता है, तो हम तो रह लेंगे, आप अपना देखो। इतना कहकर सभी लोग वहाँ से हंसते हुए चले जाते हैं और अपने अपने कामों में लग जाते हैं। ऐसे ही एक दिन दोपहर में आग लगाने वाली धूप आ रही थी, ऐसी धूप में गांव में लाइट चली जाती है। हेमा और रेखा गर्मी से परेशान हो जाते हैं और हेमा उठकर पूरे घर में चक्कर लगाने लगती है। तभी वहाँ राजेश आता है, जिसे देखते हुए हेमा बोलती है, अरे कहाँ से घूम कर आ रहे हो आप, अरे यहाँ हम सास बहू को छोड़ के, अरे बिल्कुल भी परवाह नहीं है हमारी। अरे हेमा क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? अरे क्या हो गया पूछ रहे हो, अरे इतनी गर्मी पड़ रही है, ऊपर से लाइट भी भाग गई, मेरी तो मरने जैसी हालत हो रही है। अरे भाग्यवान, आपने ही तो कहा था कि गर्मी कहाँ ही हो रही है, और आपको तो गर्मी फील ही नहीं होती।
अरे तो ऐसे में बिना लाइट बिना फ्रिज के नहीं रहती, ऐसे तो मैं मर जाऊंगी। अरे भाग्यवान, आप खुद जरा सोचिए, आप कुछ टाइम में ही परेशान हो गई, लेकिन जरा यहाँ के लोगों के बारे में सोचिए जो अपनी पूरी गर्मियाँ ऐसे बिताते हैं। आपको कुछ समय के लिए कोल्ड ड्रिंक नहीं मिली, ठंडा पानी या जूस नहीं मिला, तो आप कैसे परेशान हो गई? तो आप ये मुझे क्यों बता रहे हैं? मैंने थोड़ी मना किया है, और आप के ऐसी गर्मी में हमें मारने लाए हैं? नहीं नहीं हेमा जी, हम तो इधर आपको घुमाने ही लाए हैं। अरे आपको ही तो पसंद था गर्मी में घूमना। जब आपको पता था कि यहाँ हमारी सुख सुविधा वाली चीजें नहीं होंगी, तो आप हमें क्यों लाए यहाँ और हमारी छुट्टियाँ क्यों बर्बाद करी? मैंने आपकी कोई छुट्टी बर्बाद नहीं की। अरे पहली बात यह, गर्मी की छुट्टियाँ कुछ होती ही नहीं है, ये हम अमीरों के चोचले हैं। अरे मैं तो आपको गर्मी का एहसास कराने आया था, आपको भी तो पता चले कि बिना सुख सुविधा के गर्मी कैसी होती है। अच्छा, इसका मतलब आप हम दोनों सास बहू से पंगा लेने आए थे? नहीं हेमा जी, आप मेरी पत्नी हैं, आपसे कैसा बदला। अरे आपको यह बताने आया था कि गर्मी का मौसम हमेशा घूमने का नहीं होता, जो आप हमेशा बैग पैक करके निकल लेती हैं, और जो पैसा हम जोड़ते हैं उसको फिजूल जगह जाकर उड़ा देती हैं। अरे हमें तो इन जैसे लोगों की मदद करनी चाहिए, जिनके पास गर्मी से बचने के लिए न लाइट है न ही कोई सुविधा। राजेश जी, ये आपने सही नहीं किया, आपको नहीं पता हमें यहाँ आके कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। राजेश और हेमा दोनों बहस ही कर रहे होते हैं कि तभी उनका बेटा सौरभ और उसकी बहू रेखा भी वहाँ जाते हैं, और रेखा बोलती है, पापा जी, सौरभ जी ने हमें सब बात समझाई, हमें समझ आ गया है कि अब हमें क्यों लेकर आए यहाँ पे, ताकि हम खुद के पास होने वाली चीजों की कदर कर सकें और हम भी लोगों की मदद करें, ना कि अपने पैसों का गलत यूज करें। बहुत जल्दी ही समझ आ गई आप दोनों को ये बात। अच्छा, और छुट्टियाँ मनानी है क्या गाँव में? नहीं सौरभ जी, हमें अपने घर में वापस जाना है, और अब हम कभी भी गर्मियों में घूमने की बात नहीं करेंगे, बल्कि जितना हो सकेगा सबकी मदद करेंगे। जिनके पास इतनी गर्मी से बचने के लिए चीजें नहीं होंगी, उनकी हेल्प करेंगे। वह बिल्कुल सही कह रही है बेटा, आज हमें सच में पता लगा कि गर्मियाँ क्या होती हैं। हम तो कुछ दिन नहीं रह पाए, तो यहाँ के लोग जिंदगी भर कैसे रहते होंगे। हमें सच में इन सबकी मदद करनी चाहिए। जितना पैसा हम बाहर जाकर फालतू में खर्च करते हैं, उतने पैसों में अगर हम किसी की हेल्प करेंगे तो वो भी इस गर्मी के मौसम में सुकून की सांस ले सकता है। लेकिन राजेश जी, सबकी मदद तो हम तब करेंगे जब हम इस गर्मी से बचेंगे। मेरी हालत तो बहुत खराब हो रही है। देखा बेटा, इसलिए कहते हैं जब खुद पर बीतती है तभी सामने वाले की तकलीफ का पता चलता है। सही कहा पापा जी आपने। सौरभ जी प्लीज, आज के बाद हम कभी भी गर्मियों की छुट्टियों में घूमने का प्लान नहीं बनाएंगे। आप हमें घर पे ले चलिए, हमारी गर्मियों की छुट्टियाँ हम पे बहुत भारी पड़ गयी।